कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन ये बात तय है कि वो जो कोई भी है इस घर के बहुत करीब आ गया। मैं आसपास की सिक्योरिटीज से पूछताछ करवाता हूँ। आप लोग इस घर में किसी भी अनजान आदमी को आने मत दीजिए। घर की किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले एहतियात करना जरूरी है। कोई भी इस घर से बाहर जाए तो घर के बाकी लोगों को बताकर जाए। आज से इस घर के सब फोन टैप होने शुरू हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है। शिंदे साहब, ये बताइए, इस डॉल के पीछे जो कोई भी है उसका मकसद क्या है? डर पैदा करना चाहता है सबके मन में। मैं आसपास की सिक्योरिटी से पूछताछ करने जा रहा हूं, चाहे तो आप भी चल सकते हैं। मैं भी चलता हूं आपके साथ। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी आप कब आई? बस अभी अभी। लगता है घर में कुछ हादसा हुआ है। देखिए ना, कोई हीना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। एक गुड़िया की बुरी हालत करके घर में फेंक दिया। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? अम्मी, खैर कैसे आना हुआ? पहले ये बताइए, इन सबके पीछे किसका हाथ होगा? रूबी का। हाँ, पूछ रही थी मैं यहाँ क्यों आए। एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए आज मीटिंग थी, मैंने सोचा हीना को अपने साथ ले जाऊं, कुछ डिटेल्स में बात करनी थी। लेकिन हीना की दिमागी हालत मैं समझ सकती हूँ। जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये काम मेरे हाथ से निकल जाएगा। कोई बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं चलूंगी आंटी। नहीं हीना, ऐसे हालात में मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? नहीं आंटी, आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए। चलिए, जाना है लेकिन अब नहीं, शाम को 6 बजे। जी। हेलो। तुम्हारी खैरियत जाने के लिए फोन किया, कुछ पता चला? क्या बात है हीना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो, मेरी मदद की जरूरत हो तो बोलो। नहीं, आमिर और शिंदे ने काम शुरू कर दिया है। इस वक्त मुझे बाहर जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, किसी की भी जिंदगी में कभी भी तुम्हारा आना मुबारक नहीं रहा, हमेशा जहर घोला है तुमने। हमारी जिंदगी में से चली जाओ रूबी, ताकि हम चैन की जिंदगी जी सके। एक्चुअली ना, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अभी तक तुम आए क्यों नहीं, हीना ने तुम्हें अभी तक यहाँ क्यों नहीं भेजा ये सब ड्रामा करने के लिए। तुम्हें पता है मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। हीना जैसा चाहती है तुम्हें नचाती है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, इसलिए कि हीना परेशान है और उसकी परेशानी की वजह एक तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। नहीं, परेशान रहना तो बेचारी हीना की तकदीर में ही लिखा है, वो अलग बात है कि वजह बदलती रहती है। देखो, पहले हीना की परेशानी की वजह तुम थे, फिर मैं, फिर अकरम। अकरम तो रहा नहीं, और अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। देखो रूबी, मैं यहां तुम्हें वार्न करने आया हूं, हीना और उसकी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगा।
तुम्हारी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और हाँ, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। रहती है और वो उसके आंसू पोंछता रहता है। हीना को उसके साथ रोने में बड़ा मजा आता है। मुझ पर गुस्सा दिखाने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। एक काम करो, यहाँ से निकलो और जाके हीना को ये गुस्सा दिखाओ। Get out। तुम गुस्से में बहुत हैंडसम दिखते हो। हीना के समझ में ये बात क्यों नहीं आती? बला हीना ने उस डॉक्टर ने क्या देख लिया? महक, महक, देखो बेटा, मैं अपने काम से बाहर जा रही हूँ। हाँ, शायद आने में देर हो जाए। तुम रोना मत, वरना मैं नहीं जाऊंगी। नाज, मेरे लौटने तक अभी तुम्हारे हवाले। इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। हाँ, वक्त पर खिला देना और दवा दे देना। जी आपा, मैं महक का बखूबी ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मम्मी चलो ना, मम्मी गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो जीती रहो। अब्बू जी, आज कुरियर से कोई पैकेट आया आपके लिए। कुरियर से? क्या है ये? कोई नाम ना पता, ये कौन छोड़ गया ये? आए हाय, कोई बदतमीज था भाईजान। पता नहीं बेहया ने नाज के हाथ में पैकेट थमा और कहने लगा मिर्जा को दे दीजिएगा। आए हमारे हाथ में थमा था तो हम बताते उसे फिर। ये तो कहिए कि उस वक्त मैं महक के साथ थी, अगर मेरे सामने आता तो ऐसी खरी खरी सुनाती कि याद रखता। खैर, जरा पहेली तो बुझाइए कि ये है क्या। मौत एक हादसा। हेलो। हेलो, पार्सल सही जगह पहुंच गया? पहुंच गया, शाबाश। अब दूसरे काम को भी इतनी होशियारी से करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहो। मिर्जा साहब, क्या घर के सारे लोग घर पर मौजूद हैं? देख लीजिए। हीना कहाँ है? वो तो नगमा के साथ गई है।